तो फाइनली दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर है और साथ ही में इस फिल्म के रिलीज डेट को कब ऑफिशियल तौर पर अनाउंस किया जाएगा इस बारे में है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की इस मच अवेटेड फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है सूर्यवंशी, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार के अलावा कैटरीना कैफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह नजर आने वाले हैं। ये फिल्म लगभग 180 करोड़ से भी ज्यादा के बजट में बनाई गई। रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लास्ट ईयर रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों कोविड-19 के चलते इस फिल्म की रिलीज डेट को अब आगे बढ़ा दिया था और अब ये फिल्म इस साल 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। तो दोस्तों यहां पर अक्षय कुमार सर के फैंस के लिए बुरी खबर तो यही है कि ये फिल्म अब 2 अप्रैल को रिलीज नहीं होने वाली है, इस फिल्म की रिलीज डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों इस फिल्म से अच्छी खबर भी ये आ रही है कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट रोहित शेट्टी के बर्थडे पर यानी कि 14 मार्च को होने वाली है। यानी कि दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि ये फिल्म जब भी आएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही देगी और जबरदस्त तरीके से इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म बन जाएगी। दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4.5 से 5 हजार स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग है और इस फिल्म के मेकर्स यही चाहते हैं कि ये फिल्म जब भी रिलीज हो इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को एक अच्छी रिलीज डेट पर रिलीज करना चाहते हैं और बॉक्स ऑफिस के नए नए रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सूर्यवंशी को कब रिलीज किया जाना चाहिए? ईद के मौके पर, जून के महीने पर या फिर जुलाई के महीने में? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।